जो तो आज हम चैप्टर नंबर सेवन पॉइंट थ्री सॉल्व करने वाले हैं क्लास सिक्स का मैथ तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन है, राइट फ्रैक्शंस फ्रैक्शन इसके फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके फ्रैक्शंस लिखने हैं और क्वेश्चन कुछ कुछ में पूछा है कि क्या जो ये फ्रैक्शन है वो इक्वे है तो सॉल्व सॉल्व करते हैं पहला ए क्वेश्चन है देख सकते हैं यहाँ पर इसका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा वन बाई टू? ये फोर पार्ट्स हैं तो ये हो जाएगा टू बाई फोर टू बाई फोर को आपका टू बाई फोर को सॉल्व करोगे तो उसका लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या होगा वन बाई टू अगेन इसका कितने हैं वन टू थ्री एंड सिक्स तो वन ये जाएंगे थ्री बाई थ्री बाई सिक्स तो इसका फ्रैक्शन फिर से वन बाई टू हो जाएगा एंड इसका कितना हो जाएगा एट फोर अपॉन एट तो आंसर इसका भी वन बाई टू आएगा तो क्वेश्चन नंबर टू में ऑब्जर्व करो आप कि सबका फ्रैक्शन वन बाई टू वन बाई टू वन बाई टू एंड वन बाई टू वन बाई टू मतलब सब में है तो दैट मीन्स ये इक्वेलेंट है तो क्वेश्चन नंबर वन का जो वन uh, में ए का आंसर हो जाएगा हिन्स दे आर इक्वेलेंट ठीक है आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि सब में ही वन बाई टू जो है फ्रैक्शन के फॉर्म में थे नाउ इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे बी में देख सकते हैं कितने डॉट डॉट हैं फोर इस ये फोर हो गया ये फोर ये फोर ट्वेल्व हो गए तो इसका वो क्या हो जाएगा फोर अपॉन ट्वेल्व लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा वन बाई थ्री फोर वन जा फोर फोर थ्री जा ट्वेल्व इसमें कितने हैं थ्री सिक्स नाइन तो थ्री ही सेडेड है तो थ्री बाई नाइन इसका लोवेस्ट फ्रैक्शन क्या हो जाएगा वन बाई थ्री ठीक है इसका हमने क्या लिखा इसका हो जाएगा वन बाई थ्री वन बाई थ्री इसका कितना हो जाएगा फोर प्लस टू सिक्स तो टू बाई सिक्स का ये भी हो जाएगा वन बाई थ्री है ना इसका भी वन बाई थ्री हो जाएगा इसका फोकस करो ये वन बाई थ्री हो जाएगा इसमें थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व एंड फिफ्टीन फिफ्टीन नीचे हो जाएगा एंड थ्री टू फाइव सिक्स सिक्स अपॉन फिफ्टीन बट अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स टू अपॉन फाइव देखो इसमें नोटिस करो आप ये वन बाई थ्री ये भी वन बाई थ्री ये भी वन बाई थ्री ये भी वन बाई थ्री बट ये जो है वो टू बाई फाइव है है ना तो ये तो नहीं हुआ है तो दैट मीन्स कि दे आर नॉट इक्विवेलेंट है ना तो इसमें सिंपल सा आप आंसर लिख दोगे कि ये इक्विवेलेंट नहीं है क्यों क्योंकि सारे जो फ्रैक्शन है वो सेम नहीं है तो जस्ट राइट डाउन नो बिकॉज दे आर नॉट इक्विवेलेंट टू इसमें पहले फ्रैक्शन लिखने और उसके बाद पेयर अप करने हैं कौन से एक फ्रैक्शन दूसरे के साथ पेयर कर दैट मीन्स कि कौन से फ्रैक्शन जो हैं वो सेम है अब इसका पहले लिख लो ये तो हो जाएगा वन बाई टू है ना टू पार्ट्स हैं और वन शेडेड हैं इसमें कितने हो जाएंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स तो सिक्स नीचे हो जाएगा एंड फोर शेडेड है तो फोर बाई सिक्स हो जाएगा ये कितने हैं थ्री थ्री प्लस टू थ्री थ्री नाइन थ्री थ्री सिक्स एंड थ्री नाइन तो ये हो जाएगा यहाँ पे तो फोर बाई सिक्स ये हो जाएगा थ्री अपॉन नाइन एंड ये हो जाएगा टू बाय कितने थे एट थे ना एट है और यहाँ पे फोर है तो थ्री बाय फोर हो जाएगा राइट ऐसे ही इसमें लिखते हैं ये कितना हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन तो एटीन एंड कितने श्रेडेड हैं इसमें थ्री प्लस थ्री सिक्स तो सिक्स अपॉन एटीन इसमें कितने हैं वन टू थ्री फोर फोर प्लस फोर एट फोर श्रेडेड है अब इसमें काउंट करो फोर फोर टू जै एट फोर थ्री जै ट्वेल्व फोर फोर जै सिक्सटीन तो यहाँ पे हो जाएगा ये फोर फोर जै सिक्सटीन तो ये हो जाएगा सिक्सटीन और कितने शेडेड हैं वन टू थ्री फोर शेडेड नहीं है तो ट्वेल्व शेडेड हो जाएंगे है ना अब यहाँ पे काउंट करो ये देखते वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 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 ट्वेल्व तो ये तो हो जाएंगे ट्वेल्व एंड कितने सेडेड हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट तो एट बाई ट्वेल्व हो जाएगा ठीक है थीके? ये कितने हो जाएंगे एट अपॉन ये एट है और ये ट्वेल्व है इसका कितना हो जाएगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सिक्सटीन और कितने शेडेड हैं वन टू थ्री फोर फोर तो ये तो मैंने सबके फ्रैक्शंस लिख दिए आप अब इनको लोवेस्ट फॉर्म भी लिखने हैं तभी तो ऑफ होगा है ना लोवेस्ट फॉर्म में क्या कर क्या कर सकते हो इसको लोवेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ब्लैक यूज़ करेंगे ठीक है देखो वन बाई टू तो उसका तो ये लोवेस्ट फॉर्म ही है फोर बाई सिक्स का क्या हो जाएगा फोर बाई सिक्स का अगर हम लिखें तो टू टू ज़ा फोर होता है एंड टू थ्री ज़ा सिक्स होता है तो ये हो जाएगा टू बाय थ्री ठीक है टू टू ज़ा फोर थ्री टू ज़ा सिक्स थ्री बाय थ्री का क्या हो जाएगा वन बाई थ्री टू बाई एट का क्या हो जाएगा वन बाय फोर थ्री फोर थ्री बाई फोर तो अपने आप में ही लोवेस्ट फॉर्म है सिक्स बाई एटीन का क्या हो जाएगा वन बाई थ्री फोर बाई एट का हो जाएगा वन बाई टू ट्वेल्व बाई सिक्सटीन का क्या हो जाएगा थ्री अपॉन फोर थ्री फोर जा ट्वेल्व एंड फोर फोर या सिक्सटीन तो ये हो जाएगा थ्री बाई फोर एट अपॉन ट्वेल्व क्या हो जाएगा एट अपॉन ट्वेल्व फोर टू जट फोर थ्री टू बाई थ्री एंड फोर बाई सिक्सटीन वन बाई फोर तो इस तरीके से मैंने लिख दिया है अब आपको पेयर करने में बहुत ही आसानी होगी पेयर कैसे करोगे देखो वन बाई टू के किसके साथ पेयर हो रहा है देखो जो मैं इसको सर्कल कर रही हूँ और इसको वन बाई टू जो है का सेकेंड के साथ हो रहा है ध्यान से देखो वन बाई टू एंड वन बाई टू टू बाई थ्री कहाँ पर है बी बी जो है वो किसके साथ ये जो है मैंने टू बाई थ्री लिखा है ना वो इसका है फो, नंबर फोर का ठीक है टू बाई थ्री इसके साथ हो रहा है।, है ना उसके बाद जो है वन बाई थ्री सी जो है वो किसके साथ हो रहा है फर्स्ट के साथ हो रहा है अब बचा क्या है वन बाई फोर वन बाई फोर डी जो है वो फिफ्थ के साथ हो रहा है यहाँ पे वन बाई फोर अब बचा थ्री बाई फोर तो ये थर्ड का हो रहा है किसके साथ ई के साथ आई e होप आपको समझ में आ रहा होगा ना सिंपल सा अब मैं एक बार इरेज करके दोबारा से दिखा देती हूँ कि उसके कौन से फ्रैक्शंस आए थे देखो यहाँ पे ये वन बाई टू था ए जो है वो बी इसके साथ हो रहा है बी फोर के साथ हो रहा था सी फर्स्ट के साथ हो रहा था डी जो है वो फिफ्थ के साथ हो रहा था फिफ्थ ई E ई जो है वो थर्ड के साथ हो रहा था अब इनके फ्रैक्शंस भी लिख लिख लो आप यहाँ पे वन बाई टू आया था और ये कितना आया था बी कितने थे यहाँ पे यहाँ पे वन बाई टू आया था क्योंकि फोर अपॉन एट था ना बी में जो है वो कितने थे यहाँ पे सिक्स था और ये फोर बाई सिक्स था और ये था कि ट्वेल्व बाई सिक्सटीन था है ना फोर बाई सिक्स तो ट्वेल्व बाई सिक्सटीन था तभी तो ये हो जाएगा फोर बाई सिक्स और ये ट्वेल्व बाई सिक्सटीन था और ये कितना था थर्ड वाला जो है नाइन थ्री अपॉन नाइन थ्री अपॉन नाइन था और ये कितने हुए थे एट अपॉन ट्वेल्व है ना एट अपॉन ट्वेल्व और ये कितना आया था फोर एट सिक्सटीन टू बाई सिक्सटीन टू बाई एट था टू बाई एट तभी तो वन बाई फोर हुआ था ना तो ये किसके साथ मैच किया हमने इसके साथ इसका कितना आया था फोर अपॉन सिक्सटीन तभी तो 2 जा, टू एंड फोर और ये हो गया था कितना थ्री बाई फोर और इसमें कितना आया था ये कितना था ट्वेल्व अपॉन सिक्सटीन आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा राइट क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें रिप्लेस करना है इस बॉक्स को करेक्ट नंबर के साथ तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी होते हैं देखो पहले में टू बाई सेवन है और यहाँ पे एट लिखा है यहाँ पे हमें नहीं पता क्या आएगा तो देखो यहाँ टू बाई टू से एट होने में फ़ोर का मल्टीप्लाई हुआ है ना फोर का मल्टीप्लाई हुआ है ना तो सेवन में भी फोर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्वेंटी एट राइट कितने जाएंगे ट्वेंटी एट फाइव टू ज़ा टेन होता है तो एट टू ज़ा फोर एट टू ज़ा सिक्सटीन फाइव फोर जा ट्वेंटी होगा है ना फाइव फोर जा ट्वेंटी होगा तो थ्री फोर जा भी ट्वेल्व हो जाएगा पे. यहाँ पे देखो यहाँ पर फोर फोर्टी फाइव है तो फिफ्टीन थ्री जा करोगे तो फोर्टी फाइव हो जाएगा तो वैसे ही यहाँ पे सिक्सटी में किसका मल्टीप्लाई करोगे लाइक like यहाँ पे कौन सा नंबर लिखोगे जिसके मल्टीप्लिकेशन में थ्री टाइम्स में सिक्सटी आएगा तो जस्ट यहाँ पे थ्री का मल्टीप्लाई हुआ है ना तो थ्री से सिक्सटी को डिवाइड कर दो तो ट्वेंटी आ जाएगा यहाँ पे फोर से ट्वेंटी फोर को डिवाइड करोगे तो सिक्स टाइम में होगा डिवाइड करके मल्टीप्लिकेशन करके जैसे भी ईजिएस्ट वे लग रहा है वैसे कर सकते हो आप ठीक है सिक्स टाइम आया तो अब जाहिर सी बात है सिक्स में ये भी होगा होगा तो सिक्स से डिवाइड करोगे तो थ्री आ जाएगा है हाँ ना देखो कितने एजीज से हमने कर लिया यहाँ पे ट्वेंटी एट हो गया यहाँ पे कितना सिक्सटीन हो गया यहाँ पे ट्वेल्व हो गया इसमें ट्वेंटी हो गया उसमें थ्री हो गया राइट नाउ क्वेश्चन नंबर फोर करते हैं फाइंड करना है इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ थ्री फिफ्थ हैविंग ट्वेंटी डिनोमिनेटर एंड ये न्यूमिनेटर ठीक है तो देखो थ्री बाई फाइव पहले लिखो इक्वल्स टू पहले हम ए कर रहे हैं डिनोमिनेटर अगर ट्वेंटी है अभी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर थ्री में किया डिनोमिनेटर ट्वेंटी है दैट मीन्स कि यहाँ पे फोर का मल्टीप्लाई हुआ होगा तो इसमें भी फोर का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी राइट ट्वेल्व अपॉन ट्वेंटी हो गया अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर बी फोकस करो यहाँ पे न्यूमिनेटर फाइव नाइन लिखना है तो राइट डाउन फिर से थ्री बाई फाइव इक्वल्स टू नाइन अपॉन वॉट अब देखो थ्री इंटू थ्री हुआ होगा तभी तो नाइन है तो वैसे फाइव इंटू थ्री करोगे तो फिफ्टीन आ जाएगा हो गया ना सॉल्व क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं सी में इन्होंने डिनोमिनेटर थर्टी दिया है तो फिर से लिखो थ्री बाई फाइव क्योंकि यहाँ पे थ्री बाई फाइव का ही लेके बोला है इक्वल्स टू डिनोमिनेटर थर्टी तो फाइव इंटू सिक्स थर्टी हुआ होगा तो थ्री इंटू सिक्स क्या हो जाएगा एटीन हो जाएगा राइट एटीन अपॉँ थर्टी डी क्या है यहाँ पे न्यूमरेटर ट्वेंटी सेवन फिर से लिखो थ्री बाई फाइव इक्वल्स टू ट्वेंटी सेवन अपॉन में अब देखो थ्री नाइन जर ट्वेंटी सेवन हुआ तो यहाँ पे फाइव नाइन क्या हो जाएगा फोर्टी फाइव है ना तो आया समझ में क्वेश्चन नंबर फोर हमने कर लिया नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव करते हैं अब इसमें हमें बताना है फाइंड इक्वलन फ्रैक्शन ऑफ थर्टी सिक्स एंड फोर्टी एट थर्टी सिक्स अपॉन फोर्टी एट इक्वल्स टू पहला क्वेश्चन है नाइन न्यूमरेटर में होना चाहिए तो नाइन से अगर थर्टी सिक्स को डिवाइड करोगे तो कितने टाइम्स में होगा नाइन नाइन नहीं फोर नाइन फोर या थर्टी सिक्स होता है अब यहाँ पे डिवाइड किससे नंबर से करोगे फ़ोर से इसको डिवाइड कर दो फोर्टी एट को ट्वेल्व हो जाएगा इतना इजी था सेकेंड क्वेश्चन में बी में थर्टी सिक्स अपॉन फोर्टी एट इक्वल्स टू डिनोमिनेटर फोर है 12 टाइम में डिवाइड हुआ होगा ये तो अब यहाँ पे ट्वेल्व से डिवाइड कर लो थर्टी सिक्स को फिर से कितना हो जाएगा थ्री हो जाएगा थ्री बाई फोर क्वेश्चन नंबर फाइव भी कर लिया हमने ना क्वेश्चन नंबर सिक्स में करना है चेक वेदर द गिवन फ्रैक्शन आर इक्वेलेंट और नॉट तो देखो फाइव सिक्स ज़्या थर्टी होता है और नाइन सिक्स जै फिफ्टी फोर तो ये तो इक्वलेंट है थ्री फोर जै ट्वेल्व होता है एंड टेन फाइव जै फिफ्टी तो फोर बाई फाइव आ रहा है तो दैट मीन्स ये इक्विवेलेंट नहीं है ठीक है सी सेवन एंड फाइव का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है तो ये भी नहीं होगा ओनली ए इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ठीक है नाउ क्वेश्चन नंबर सेवन करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन में क्या बोला इन्होंने रिड्यूस करना है इन फ्रैक्शन को टू द सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म मीन्स कि प्राइम नंबर्स तक जब तक वो डिवाइड uh, होना बंद ना हो जाए ना 48 का क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए का 48 एट इक्वल्स टू फोर्टी एट अपॉन सिक्सटी इक्वल्स टू देखो ये किसका है ट्वेल्व ये हो जाएगा ट्वेल्व इंटू फोर एंड ट्वेल्व इंटू फाइव तो 12 से 12 डिवाइड हो जाएगा आंसर फोर बाई फाइव बचा तो फोर बाई फाइव जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म है ए का राइट कितना फोर बाई फाइव बी करते हैं बीस वन फिफ्टी एंड सिक्सटी तो वन फिफ्टी को पहले करो थ्री इंटू फाइव करोगे आप अगर थ्री इंटू फिफ्टी वन फिफ्टी सिक्सटी थ्री इंटू ट्वेंटी ठीक है तो ये हो जाएगा थ्री से थ्री डिवाइड हो जाएगा फिफ्टी अपॉन टू तो ये ज़ीरो से ज़ीरो भी डिवाइड हो जाएगा आंसर क्या आ जाएगा आपका फाइव बाई टू तो इससे हमने बी कर लिया है ना फाइव बाई टू ना क्वेश्चन नंबर सी करते हैं सी में क्या है फोट एटी फोर एंड नाइन्टी एट एटी फोर में देखो ट्वेल्व इंटू सेवन एटी फोर होता है फोर्टीन इंटू सेवन करोगे तो क्या आ जाएगा नाइन्टी एट तो सेवन से सेवन डिवाइड हो गया एंड ये होता है सिक्स टू ज़ा ट्वेल्व एंड सेवन टू ज़ा फोर्टीन तो सिक्स बाई सेवन जो है वो उसका लोवेस्ट फॉर्म हो गया है ना इसका क्या हो जाएगा सिक्स बाई सेवन है ना कितना ईजिएस्ट वे हमने कर लिया जो मैं लिख रही हूँ बस वही क्वेश्चन के सामने आपको लिख देना है ना क्वेश्चन नंबर डी ट्वेल्व अपॉन फिफ्टी टू इसका क्या हो जाएगा देखो थ्री इंटू फोर ट्वेल्व थर्टीन इंटू फोर क्या होता है ट्वेल्व फिफ्टी टू तो फोर से फोर डिवाइड आंसर जो है हमारा थ्री अपॉन थर्टीन हो जाएगा है ना ई e का क्या हो जाएगा सेवन इंटू ट्वेंटी एट तो सेवन इंटू वन अपॉन सेवन इंटू फोर तो सेवन सेवन कॉमन डिवाइड हो जाएगा तो वन बाई फोर जो है सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया पेंसिल्स के दी गई देखो रमेश के पास ट्वेंटी पेंसिल है शीलू के पास फिफ्टी पेंसिल है एंड जमाल के पास एटी पेंसिल्स हैं चार महीने बाद उन्होंने रमेश ने टेन यूज़ कर लिया शिलू ने ट्वेंटी फाइव यूज़ कर लिया एंड जमाल ने फोर्टी पेंसिल यूज़ कर लिया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ डिट इज यूज अप चेक इफ ईच ऑफ हैज़ बीन यूज्ड इन इक्वल फ्रैक्शन और नॉट तो पहले तो सब में यही लिखना है टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल रमेश है ट्वेंटी नंबर ऑफ पेंसिल यूज बाई रमेश टेन तो फ्रैक्शन हो जाएगा टेन बाई ट्वेंटी इज वन ट्वेंटी शीलू का देखते हैं यही लिखो टोटल नंबर ऑफ पेंसिल शीलू है फिफ्टी कितना यूज़ कर लेते शीलू ने ट्वेंटी फाइव नंबर ऑफ पेंसिल यूज बाय शीलू ट्वेंटी फाइव फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा फ्रैक्शन इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव अपॉन टिफ्टी तो आंसर क्या हो जाएगा वन बाई टू राइट तो शीलू का वन बाई टू आ गया सेम उसी तरीके से हमें जमाल का करना है जमाल के पास लिखो टोटल नंबर ऑफ़ पेंसिल जमाल हैड कितनी थी उसके पास एटी ये एटी लिख दिया आपने टोटल नंबर नंबर ऑफ़ पेंसिल यूज़ बाई जमाल फोर्टी तो फोटी लिख दिया आपने एंड फ्रैक्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फोर्टी अपॉन एटी तो फोर्टी वन जा फोर्टी एंड फोर्टी टू जा तो यहाँ पे तो सी लिखना है यस दे यूज एंड इक्वल फ्रैक्शन ऑफ हिज एंड हर क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं इसमें इन्होंने मैच करने को बोला इक्वल इन फ्रैक्शन और उसके दो और फ्रैक्शन लिखने भी हैं पहला देखो 250 फिफ्टी अपॉन फोर तो 250 जो होता है 5 इंटू फिफ्टी एंड फोर हंड्रेड एट इंटू तो 50 से 50 डिवाइड हो जाएगा 5 बाई एट जो है इसका फ्रैक्शन आ जाएगा एंड इसके दो और इक्वल एंड फ्रैक्शन हो जाएंगे 25 फाइव अपॉन फोर्टी या थर्टी अपॉन फोर्टी है ना फाइव फाइव जो ट्वेंटी फ़ाइव एट फाइव जो फोर्टी फाइव सिक्स ज़ा थर्टी एट थर्टी एंड एट सिक्स ज़्याट तो ये हो जाएंगे इसके दो और फ्रैक्शन तो ए का जो है वो आ, क्या हो जाएगा फ़ाइव बाई एट ठीक है फाइव बाई एट जो है वो ए का हो जाएगा वैसे ही क्वेश्चन नंबर सेकेंड है वन एटी अपॉन टू हंड्रेड वन एटी अपॉन टू हंड्रेड हो जाएगा ज़ीरो से ज़ीरो डिवाइड हो जाएगा आ, इसको टू इंटू नाइन अपॉन टू इंटू टेन ठीक है जीरो से जीरो मैंने डिवाइड कर दिया अब यहाँ पे टू एंड टू भी डिवाइड हो जाएगा तो नाइन बाई टेन हो जाएगा नाइन बाई टेन देखो किधर है ये नाइन बाई टेन हो जाएगा बी का बी ई इक्व टू सेकेंड तो नाइन बाई टेन मतलब कि जो इसका इक्वल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा नाइन बाई टेन का इक्वल इंट्रैक्शन कितना नाइन टू से एटीन एटीन अपॉन ट्वेंटी और नाइन थ्री या ट्वेंटी सेवन टेन थ्री जो थर्टी तो ये हो जाएंगे इसकी इक्वलन फ्रैक्शन राइट क्वेश्चन नंबर थर्ड में सिक्स सिक्सटी अप नाइन है तो ये टू इं इंटू थ्री हंड्रेड थर्टी एंड थ्री इंटू थ्री हंड्रेड थर्टी थ्री हंड्रेड थर्टी डिवाइड हो जाएगा टू बाई थ्री इसका आंसर आ जाएगा अब टू बाई थ्री का जो इक्वेलन फ्रैक्शन हो जाएगा टू टाइम या ट्वेंटी एंड थ्री टाइम या थर्टी टू हंड्रेड या टू हंड्रेड टू थ्री हंड्रेड या थ्री हंड्रेड तो ये टू इसके और फ्रैक्शन हो जाएंगे नंबर फोर में वन एटी अपॉन थ्री सिक्सटी तो हमें पता है वन एटी इंटू वन एंड टू जी सिक्सटी होता है तो ये डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे टू जा हो जाएगा है नॉट हाँ ये डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वन एटी इंटू वन वन एटी एंड टू ज थर्टी तो वन बाई टू इसका इक्विलेंट फ्रैक्शन अब वन इंटू ट्वेंटी ट्वेंटी फोर्टी अरे दो तो इसके और फ्रैक्शन हो जाएंगे फिर फिफ्थ क्या है टू ट्वेंटी एंड फाइव फिफ्टी तो टू इंटू वन हंड्रेड टेन करोगे तो ये आ जाएगा एंड फाइव इंटू वन हंड्रेड टेन करोगे तो ये तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे टू बाई फाइव इसका फ्रैक्शन आ जाएगा दो और इक्वेलेंट करने हैं तो आप टू इंटू टेन कर लो फाइव इंटू टेन टू इंटू ट्वेंटी कर लो एंड फाइव इंटू ट्वेंटी तो ये दो इसके और इक्वेलेंट फ्रैक्शन हो जाएंगे तो इसी तरीके से मैच करोगे तो आपका आंसर हो जाएगा ये इसी तरीके से हमने फर्स्ट का देखा फाइव बाई एट सेकेंड का देखा नाइन बाई टेन थर्ड का देखा टू बाई थ्री फोर्थ का देखा वन बाई टू एंड फिफ्थ का देखा टू बाई फाइव वन बी हो जाएगा तो ये था हमने मैच करके दिखा दिया ठीक है आई होप चैप्टर सेवन पॉइंट थ्री आपको क्लियर हुआ होगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो प्लीज उसको पूछना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बाय बाय